बिजनेस टिप्स में भी मैं बता ही देती हूँ, एक बुड्ढे को एक बहुत ही कम उम्र लड़की से प्यार हो जाता है और वो साइकिल पे रोज उसको देखते हैं। अच्छा, ये चीजें हमें 11वीं 12वीं में पढ़ाने की क्या जरूरत है, पहले पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में आज़ू, याना और फकर बातचीत करें कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे कैसी नौटंकी होती है और पाकिस्तानी रिलीजन के नाम पे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें करते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कैसे पाकिस्तान में एजुकेशन में भी मज़ेदार चीज़ें होती है, और पाकिस्तान में जो चीज़ें 40 साल पहले लोग पढ़ते थे वही आज भी पढ़ाई जा रही है और किसी भी चीज़ को अपडेट नहीं किया गया। और पाकिस्तानी मीडिया एक और मज़ेदार चीज़ के बारे में बातचीत करे, और इसका रिश्ता पाकिस्तानी आर्मी से है, और पाकिस्तानी आर्मी कैसे अपने जनरल को खुश करने के लिए क्या क्या मज़ेदार चीज़ें करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो सर, ब्रिगेडियर को अभी आप जो है उसके उसके जो है ना कमोड की पोजीशन अगर ठीक ना हो तो माइंड कर जाता है सर। मैंने तो अफसरों को, सीओ को कमोड के ऊपर बैठ के देखा है कि कमांडर्स पे कंफर्टेबल बैठेंगे, नहीं तो रातों रात कमोड पटवाते देखा है सर। अप टू डेट स्टडी नहीं है। अब मेरे जो अबू ने पढ़ी मिस्टर चिप्स वो ही मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे बेटे भी लगता है यही पढ़ेंगे। मेरे अब्बे ने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ी थी। हाँ जी, सबके अबू ने यही मिस्टर चिप्स ही पढ़ी। बस वो मिस्टर चिप्स में भी मैं बता ही देती हूँ, एक बुड्ढे को एक बहुत ही कम उम्र लड़की से प्यार हो जाता है और वो साइकिल पे रोज उसको देखते हैं। अच्छा, ये चीजें हमें 11वीं 12वीं में पढ़ाने की क्या जरूरत है, पहले पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। हम क्यों इतने कंसर्न शो करते हैं कि किसी का, यानी कोई किसी भी रिलीजन से जो मैं फॉलो करता हूँ वो क्यों या ना फॉलो नहीं करती या? पता नहीं, ये साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है ही है, फिर भी मैं कहूंगी मेरे भारत में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। मैंने तो एक वीडियो अभी देखी जहां पर पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अहमदियास को काफिर बोलते हैं, जो शियास को काफिर बोलते हैं, वो एक जानवर को इस्लाम में कबूल करवा रहा है कान में कलमा पढ़वा के। मतलब ये इस तरह की जहनीयत के कोई टोटली, मतलब उसको टोटली ना, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो फिर भी सिर्फ ट्विटर पे ट्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े उनको दुकान में घुस के मार ही लेते हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी आपकी बिलीफ के नहीं है, वो शिया होंगे या कुछ और होंगे, तो उनको तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है गोली गन उठा के। तो ये तो आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट ये बकरे के सिचुएशन में हंस रहे हैं हम लोग। बकरे बाकी मतलब वो गलत है, इतनी गलत बात है, जो बाकी चीजें वो तो होनी नहीं चाहिए किसी सूरत। बिल्कुल, खैर बकरे पे हंस रहे हैं हम, और मुझे वो वीडियो भेजिएगा अगर मिले, मैं लगाऊंगी भेजा प्राइम में। लेकिन मुझे ये बताएं बगैर, क्या आजकल इंडिया या भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बातचीत चल रही है? आप तो खैर अफगानिस्तान जा भी चुके हैं और तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी उस जमाने में, फखर ने वहां पर गए थे कवर करने के लिए, और उसके बाद जो एक आजकल हमारे एक जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, ऐसे एक्स फ्रेंड भी होना चाहिए, तो एक्स फ्रेंड जो है वो आजकल हमारे पीछे जूते चप्पल लेके पड़े हुए, तो उनके चैनल के लिए फखर ने रिपोर्टिंग की, और मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैंने फखर को कुछ और करने ही नहीं दिया कि वहां पे किसी और चैनल के लिए कहा बस उनका वीडियो बना के भेजो, उनकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद वो आज हमें ये सलाह दे रहे हैं। तो मगर आपको क्या लग रहा है कि ये अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के साथ मिलके ये हमारी वाट लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम अगर खुद अपनी वाट ना लगवाए ना तो कोई हमारी वाट नहीं लगवाएगा। सबसे बड़ा मसला हमारा खुद का है, ना अफगानिस्तान करेगा ऐसा कुछ, ना हिंदुस्तान करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यकीन करें, भाषा यूज करने लगे हो, वाट लगाई अच्छा लगा जी। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान को क्या लगी हुई है? हिंदुस्तान अगर इस वक्त मतलब एक काफी तेज तरीन मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है, 8.4 प्रोग्रेस उनका जो ग्रोथ रेट है चल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेंगे यार जाके ना पाकिस्तान से जरा पंगा ले लेते हैं। क्यों करेंगे? एक मतलब अंडरस्टूड की बात है कि ठीक है, वो हम ये सोचते हैं कि यार उन्होंने अग्नि 5 का वो मिसाइल टेस्ट कर लिया, ये कर लिया, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है।
अमेरिका का डिफेंस तो दुनिया में नंबर वन है, तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक आज भी एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, चीन का है, रशिया का है, हिंदुस्तान उस मतलब उस ग्रुप का, उस क्लब का मेंबर है। तो एक बात तो ये हो गई, जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान को हम पहले समझते थे अपना पांचवा या छठा प्रोविंस समझते थे, क्योंकि जब अशरफ गनी साहब थे तो हम पक्का ये समझते थे, लेकिन जिस वक्त तालिबान आए तो उसके बाद तो हमने कहा बस अब तो हो गई होगा ना, अब तो जो हम कहेंगे। और ये सवाल मैंने मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद से पहले जब मैं उनके कवर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों कहा कि यार वो इस कंट्री के लोग हैं, वो आपकी बात आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन ये आप ना समझे कि इस्लामाबाद में जो बात की जाएगी बस काबुल में उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी तेहरान के साथ है, यही हमारी दिल्ली के साथ है, यही हमारी बीजिंग के साथ है, और यही हमारी अफगानिस्तान काबुल के साथ है। आईएमएफ का क्या करें, तो ये औरंगजेब साहब और ये श्रीमान डार साहब भी एक साथ बैठ गए, कह रहा क्या करें, तो इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान जिसका आज जिसकी आज रूपरेखा बाहर आई है। सर ऐसा जबरदस्त प्लान है, आप जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध दिएगा, आप गिर ना जाए। तो प्लान ऐसा है, उन्होंने बोला है देखो अब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करेंगे आईएमएफ से। मैं तो सर पकड़ लिया, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है हर 6 महीने आईएमएफ तुम्हें आके पैसा देता रहे देता रहे देता रहे, मतलब ये पैसा रोल करके नया दे दो, इसको रोल करके नया दे दो, इसको मतलब परपेचुअल आईएमएफ की फाइनेंसिंग की तैयारी हो रही है, परपेचुअल आईएमएफ की फाइनेंसिंग की तैयारी इन्होंने कर ली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं, तो एजुकेशन के बारे में पहले बातचीत करते हैं। एजुकेशन पे पाकिस्तान अभी भी कंप्यूटर में भी ऐसी चीजें पढ़ा रहा है जो 40 साल पहले लोग पढ़ते थे। पाकिस्तान में अभी भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाई जाती है जो बंद हुए हुए भी 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो अभी भी पाकिस्तानी स्कूलों में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और याना ने जो चीज़ कही कि एक बकरी के कान में पाकिस्तानी जो कर रहे थे, तो वो वीडियो आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। और पाकिस्तान से ऐसी मजेदार चीज़ें निकल के आती है जो सबको हंसा दिया, तो पाकिस्तानी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सुमित भाई ने सही कहा कि आईएमएफ से पैसा वसूलने के लिए पाकिस्तान नया नया प्लान बनाता है, और अब उन्होंने प्लान बनाया कि आईएमएफ से हम 8 बिलियन डॉलर लेंगे। पहले आईएमएफ पाकिस्तान को 3 बिलियन नहीं दे रहा था, पर अब पाकिस्तान ने कहा कि हम 8 बिलियन लेंगे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि 10 साल अब पाकिस्तान आईएमएफ में रहेगा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान आदत है झूठ कहने की, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।